जैविक खेती को लेकर हरियाणा सरकार का सफल प्रयास चरखी दादरी के गोपी ग्राम में देखा गया। यहां भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कपास। सोलर पैनल द्वारा दी जा रही है पानी की व्यवस्था, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में मल्चिन शीट के प्रयोग से ऑर्गेनिक हरी मिर्चों का उत्पादन भी किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग किस्म की हरी मिर्चें पाई जाती हैं। मल्चिन शीट के साथ साथ ये फार्मिंग अब नेट फार्मिंग के रूप में भी की जा रही है। हरियाणा सरकार का इस फार्मिंग के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग किस्म की हरी मिर्चें, अलग प्रजाति, अलग किस्म की खेती इस नेट फार्मिंग में की जाती है। मिर्च के साथ साथ यहां पर हल्दी का उत्पादन भी किया जा रहा है। सिंचाई के रूप को देखा जाए तो यहां फव्वारा सिंचाई की प्रणाली से अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोहर लाल है और मैं गांव गोपी जिला चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपने खेत में ऑर्गेनिक तरीके से फसलें उगाता हूँ। अभी मैंने अपने खेत में, मेरे पास दो नेट हाउस हैं, उसमें तीन तरह की मिर्च लगाई हुई है और 29/7/2021 को हमारे अकाउंट में सरकार ने वो सब्सिडी भी ट्रांसफ़र कर दी। 2600 रुपये का एक पेड़ था, उसमें सरकार ने हमें 1950 रुपये जो सब्सिडी के तौर पर दिए, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम इसमें ऑर्गेनिक तरीके से जो कर रहे हैं, उसमें कैचवा खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और ये उसमें हम एक वर्मी वास भी बनाते हैं, जो कैचवे के मलमूत्र से जो नीचे निकलता है उसको वर्मी वास बोलते हैं, वो हम उसमें यूज करते हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।